अरे निशा, मैं तेरे पास ही आ रही थी। अरे मैं भी तेरे पास ही आ रही थी। मेरे पास आ रही थी? क्यों, क्या हुआ? गई है ना। तेरी भी नौकरी गई? अरे यार मेरी भी नौकरी गई, इसी टेंशन में तेरे पास आ रही थी मैं। अरे यार ये बहुत दिमाग खराब हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार, बैठे बैठे खर्चे डेली के हैं। पेपर में पढ़ा था कि बिहार में जॉब के लिए जगह निकली है। बिहार में जगह निकली है? हाँ, लेकिन बिहार तो बहुत दूर है यार। अब दूर तो है, वहाँ कैसे जाएंगे हम लोग? कैसे जाएंगे? पैरों से जाएंगे, और कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, किसी ना किसी से। ये भी पता है ना खर्चा कितना है। अरे उसकी टेंशन तू क्यों ले रही है? मेरे पास जो भी गहना भी है मैं सब बेच के चलेंगे, ठीक है? चाहे झारखंड जाना पड़े, चाहे उत्तराखंड जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। और सुन, वहां पे मैंने एक चीज और सुनी है, 5,000 रुपए पर डे के बेस पे नौकरी मिल रही है। 5,000 रुपए पर डे? हाँ, थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन 5,000 रुपए पर डे मिलेंगे। यार कोई उल्टा सीधा तो तूने ये नहीं बताया काम क्या है। अरे कॉलिंग वाला काम है, कस्टमरों से बात करनी है, कस्टमरों को बताना समझाना है। अगर मान लो 2 कस्टमर भी आ गए, 10,000 रुपए सीधे। ओनली इतना काम? बस इतना सा काम जो कोई 5,000 रुपए पर डे। 5,000 रुपए पर डे तो ठीक है यार, है कि नहीं? तो चलते हैं। अरे फटाफट चल, मैं तो कह रही हूँ अभी चल। लेकिन अपना ठीक लग रही है गहना, वो सब हम रास्ते में कर लेंगे, उसकी टेंशन मत ले तू, ठीक है ना? चल तो फिर। चला। अरे झुमरी प्रसाद, झुमरी प्रसाद। अरे मास्टर। अरे यार कानों में राम 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 राम। मुझे एक बात ये बताओ, कानों में क्या रुई लगाकर चलते हो? नहीं नहीं, वो कम सुनाई देता मास्टर मुझे। अरे वाह, नया फोन झुमरी प्रसाद, डिस्प्ले टूट जाएगी ऐसे? नहीं, टुक टुक करने से ऐसे ही नाखून से डिस्प्ले टूट जाती। वैसे कब ले आए भाई फोन? कब ले आए? अरे कल ही तो ले आए। कितने का ले आए? ₹12,000। अरे बहुत अच्छे। अरे सर रुपए का इसको चलाना भी जानते हो क्या? मैं फालतू में ही ले लिया तुमने। चलाना जानते मास्टर, तुम कैसी बेतुकी वाली बातें करते हो? क्या चला लेते हो तो मुझे बताओ, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी तो दो। नंबर मिला के मास्टर तुम पर मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है? हेलो करके करूंगा बात। दूसरी बात, इसमें जाऊंगा यूट्यूब में और मैं निकालूंगा प्राइमस कैसेट। अच्छा, चैनल देख के आया था मैं उस दिन, पल्ले गांव में चल रहा था। अच्छा अच्छा, उसमें समझ लो रसिया पड़े हुए हैं। अच्छा, समर सिंह यादव के। अच्छा, और नरेश गुर्जर के रसिया फिल्में चल रही हैं। अरे तो वो देखता हूँ, फिल्में चलती हैं। हाँ, फिल्में पारिवारिक चलती है या अब शब्द? अरे बड़ी अच्छी फिल्में हैं। मेरा कहने का मतलब ये झुमरी प्रसाद, मोबाइल लिया है बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि इस गांव की तरक्की हो, पर एक बात का ध्यान रखना। बताओ। कहीं ऐसा कुछ मत कर बैठना जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो जाए। जितना ये फायदा है इससे उतना ही नुकसान भी होता है फोन से। मुझे पता है कि तुम इसलिए गाल बजा रहे हो कि ये फोन तुम नहीं चला पाते। अरे मेरे पास तो फोन है, मैं छोटा कीपैड वाला फोन चलाता हूँ, उसी से अपना सारा काम हो जाता है। मुझे क्या करना, हाय हेलो करनी, बात करनी, बस कुल मिला के बात ये है कि तुम बस थोड़ा सा ख्याल रखकर रहना। तुम पगला गए हो, हमें पागल समझ रहे हो, सिरिया समझ रहे हो, हम पागल खाने से आए, हमारे जो उसमें माथे पर सी लग रही है, हैं? सब जानता हूँ इसमें। वो तो बेवकूफ ही। क्या कह रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये था, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चीज है, बस मेरा तो समझाने का फर्ज है कि कोई भी ठीक है, फोन में व्यस्त हो तो मेरी बात सुनोगे ही नहीं। जाओ मास्टर, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, सब जानता हूँ, चलाना। ठीक है, कहीं गिर मत पड़ना इसे चलाते चलाते, सड़क को देखकर चलना। अरे लल्लन लल्लन, हो 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 या हो। ये यार जो टेढ़ी है, ये स्किन सीधी ना है रही? सीधी नहीं हो रही। अरे बाप रे बाप, ये लो। और हो गई? हाँ। कैसे भाई? कुछ नहीं, बस यहाँ से ये चौकोर वाला जो बटन सा है ना, इसको दबाना पड़ता है। अगर यूं करके स्किन हो जाए तो चौकोर वाले बटन को दबा दो तो हो जाएगी, और यहाँ से दबा दोगे तो यूं हो जाएगी। अच्छा ठीक है। वैसे लल्लन, हाँ भैया, फोन तुम कब ले आए? कल नहीं, रात को लाया। कितने रुपए का लिया है भाई? जी 14,000 में 300 रुपया कम है। 13,700 रुपये का? हाँ। तो किस्त पर लाए हो गए हाथ के हाथ? वैसे लल्लन, भैंस बेच गए, कितने की बेच दी भैंस तुमने? भैया भैंसिया बिकी 50,000 रुपया की। अच्छा जी, आधे पैसा को तो मैं जी लिया हूँ, 13,000 का, और आधे पैसा डालते मैंने खाते में। अच्छा, और खाते में हूँ कैसे? जई में है, मोबाइल में ही। अच्छा, हाँ, इसी में फोन में तुमने? हाँ, पूरा नेट बैंक। हाँ, अब ना तो चोर की टेंशन और ना तो कागवात की चक्कस होते हैं भैया, मोबाइल जेब में रख के ही हो। मोबाइल को जेब में रख के सोते हो, अभी तुम पे चलाना कम आता है। देखो लल्लन, मेरी बात कहने का मतलब ये है, देखो अभी तुम पे स्किन तक सीधी नहीं करनी आती, कल को कोई परेशानी ना बन जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक काम रखना। तुम समझने की कोशिश करो, कोई परेशानी ना बन जाए तुम्हारी जान को।
अरे नायमा साहब देखो तुम ना तुम्हें ना मालूम, देखो जहाँ रजिया चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया, और वो फिल्म के इतना फिल्म देहाती फिल्म बहु चल रही है। तुम मानोगे नहीं, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, पर ख्याल रखना अपना। ठीक है, गिर मत पड़ना, ईंटों का रास्ता है आगे, कहीं ठोपर वोपर लग जाए। हेलो 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 जी, कौन? गुड आफ्टरनून सर। हैं? गुड आफ्टरनून, नमस्ते। हाँ ठीक है नमस्ते। कैसे हैं आप? हम तो सही हैं। अच्छा अच्छा, अरे आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। कौन सी खबरी? अरे खुशखबरी, एक अच्छी खबर सुनानी थी आपको। हाँ सुनाओ तो। आपका लॉटरी में नंबर आ गया है। लॉटरी में नंबर आ गया? हाँ। कैसी लॉटरी? अरे आपने कोई पर्ची खींची होगी मेला में। हाँ खेची। हाँ तो आपका वो जो उसमें नंबर आ गया है। अब आयो है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 6 साल बाद? 6 साल पहले खींची थी क्या? हाँ। अरे ऐसा हो जाता है ना, वो नेटवर्क इशू आ जाता है, तो आपका जो नंबर है वो चढ़ नहीं पाया होगा नेटवर्क पे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो आप वो क्या कहते हैं, करोड़पति के विजेता बन चुके हैं। विजेता बन गए हम जी? अच्छा बहन जी, अच्छा। हाँ, जी जी हाँ, तो आपके 5 लाख रुपए हमारे पास शेप है, ये बता दीजिए कहाँ भेजने हैं। आप बता दो हम कहाँ आए, हम वहीं आएंगे 5 लाख रुपए लेवे। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं आ सकते आप, मैं तो बॉम्बे से बात कर रही हूँ, आप नहीं आ सकते ना। अच्छा हाँ जी, तो यहाँ भेज दो कुआ पे, यो कह दो लल्लन के खेत पे कुआ आपका है। अरे नहीं, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी, आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए मुझे। हाँ अकाउंट नंबर। हाँ अच्छा अच्छा, तो वो तो याद ना है, वो बहुत बड़ो है। अच्छा आप ये बताइए आपका कौन से बैंक में खाता है। हमारा? हाँ। वो चौराहे पे ही है, बड़ी सी बैंक है, और वो तो मेरे मोबाइल में होंगे बैंक, मेरे मोबाइल में मेरे पैसा रखे रहते हैं भाई, मैं जमा कर दूँ। अरे मुझे ये बताइए उसका नाम क्या है, बैंक का नाम बताइए मुझे। नहीं जी नाम ना मालूम हमें। अच्छा चलो ठीक है, फोन पे तो, पेटीएम वगैरह तो चलाते होंगे ना। फोन में बैंक है भाई, फोन में पैसा लेन देन है। तो आप फोन पे पेटीएम वगैरह तो चलाते हैं, आप खोलिए देखिए मैं आपको बताती हूँ। हाँ वो शर्मा जी है ना, उनने बैंक के सबरे वो जही में करता है मोबाइल में लेन देन का काम, सब जही में होता है। अच्छा अच्छा, तो एक काम करिए। हाँ? आप फोन पे पे जाइए। वो कैसे याद है? अरे आप अपना फोन तो खोलिए। हाँ खुल रहा है वो तो। आप पढ़े लिखे हैं ना थोड़े से? पढ़े तो ना लिखे बहुत है। पढ़े नहीं है लिखे बहुत है। हाँ अच्छा एक काम करो। हाँ बोलो। फोन स्पीकर पर डालिए और स्क्रीन मोबाइल सामने लेके आइए अपने। स्पीकर पे डालू? अच्छा वो हैंड लाउड स्पीकर चालू है तुम्हें, हैंड फ्री जिसे बोलते हैं। ठीक है मैडम ठीक है, ये लियो बोलो। अब एक काम करिए उस हाँ। पे पेटीएम पे जाइए। अच्छा अच्छा, पेटीएम पे चले गए? आ गए। अच्छा ठीक है, अब उस पर किसी वो जो पासवर्ड डाल रखा होगा आपने उसे खोलिए। 4 बार 4। ठीक है, अब उसमें ये देखिए, उसमें एक तो वो आ रहा होगा फोन पे चलाते हैं आप। हाँ हाँ। या पेटीएम चलाते हैं? हाँ खुल, है? वो तो खुल रहे हो। हाँ, अब उसमें बैंक का नाम आ रहा होगा। नाम तो आ रहा पर जी ना मालूम बैंक को ये के काय को है। हाँ बैंक का नाम आ रहा होगा, जैसे स्टेट बैंक है या फिर SBI बैंक। हाँ ठीक है जल्दी बता, 5 लाख रुपये भेज दो मैडम। हाँ ठीक है, अब एक काम करिए उस पर क्लिक करिए जरा। क्लिक काय थे कितने? क्लिक करिए उस पे जहाँ वो पैसे डालने वाला जो चिन्ह लिखा, वो लिखा रहता है उस पे। दबाऊं तो? हाँ उसे दबाओ। दब गया? ठीक है, अब एक OTP आया होगा फटाफट से बताइए। हाँ जी मैसेज आया हुआ। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हाँ 5 लाख आएंगे बढ़िया। हेलो। हाँ अरे एक मिनट रुकिए, वो OTP दोबारा आया होगा, दोबारा जरा OTP बताइए मुझे। अभी तो आया। अरे आओ। हाँ बताइए जी मैडम, आओ जी बताइए। 00 एक मिनट, 00 फिर 00 फिर 00 कितनी 0 लगानी है? अरे गलत बता रहे हैं आप, ठीक से बताइए। देखिए मैंने दोबारा OTP भेजा है। ए मैडम यो कह रहा हूँ, यहाँ नेटवर्क टावर ना आ रहे, पेड़ पे चढ़ जाऊँ? अरे नहीं नहीं पेड़ पे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए दोबारा OTP आया होगा। आओ आओ लियो सुनो, 4 को 4, 6 को 6, 8 को 8, 9 को 9, 0 को 0 और फिर 0 को 0। ठीक है देखिए एक मैसेज आया होगा आपके फोन पे। हाँ आओ मैडम जी। हाँ तो बस 5 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, धन्यवाद। ठीक है मैडम जी, राम राम। आज के विजेता हमारे आप ही हो, थैंक यू। ठीक है मैडम,
पूरा भाई दिमाग खाली टेलीफोन ये अनजान नंबर है। हेलो 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 सर जी। सर आपका नाम गंगा प्रसाद है क्या? जी मैं गंगा प्रसाद बोल रहा हूँ। सर आपके लिए गुड न्यूज है। कौन सी न्यूज? गुड न्यूज है, अच्छी खबर है आपके। हाँ ये बोलो, अंग्रेजी नहीं आती हमें। अच्छा अच्छी खबर है। okay, सर कोई बात नहीं वैसा? सर आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मतलब आपने कोई पर्ची खींची थी क्या पहले? पर्ची? जी। काहे की? किसी भी चीज की जी। नहीं ली थी जी? नहीं ली। अच्छा कोई आपने साबुन वगैरह लिया था पहले? साबुन कुछ भी? हाँ लिया था, साबुन लिया था। हम दुकान से जो है साबुन की टिक्कियां भर के लाए थे। लेके आए थे ना? पूरा कार्टून लिया था क्या? हाँ लाए थे। सर उस कार्टून के ऊपर आपके लिए इनाम था। इनाम? इनाम था आपके लिए। कैसा कैसा इनाम? अरे सर आपके लिए 10 लाख रुपए का इनाम निकला है उसमें। जी सर 10 लाख रुपए का? सर आप अगर कैश लेना चाहते हैं कैश ले सकते हैं, अगर आप कुछ वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन ले सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी है, ट्रैक्टर है। हाँ तो सर आप ये बताइए आपको कैश पैसे ले रहे हैं या कुछ वाहन लेना है? अच्छा ऐसा है कि पैसे लेंगे तो भी पैसा मिलेगा हमें उतना ही, और अगर हम ट्रैक्टर लेंगे तो पैसा वही मिलेगा, उसी में ऐड होके मिलेगा, है ना? ओके 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 ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है ठीक है, तो हम ट्रैक्टर लेना पसंद करेंगे, पैसे हम नहीं लेंगे। तो सर आप ये बता दीजिए आपका एड्रेस बता दीजिए। मेरा एड्रेस है गांव भुजपुरा और कौवा वाली गली। ठीक है आपका एड्रेस ऐड चुका हो चुका है। हाँ। ये बता दीजिए कि हाँ आपका एक ओटीपी आएगा, वो बता दीजिए जरा। कौन सी ओटीपी? बताओ हिंदी बताओ। मैं आपको एक मैसेज भेज रही हूँ आपके फोन पे। हाँ। मैं उस पे ओटीपी आएगा एक। हाँ सर। हाँ। एक काम करिए जी, अपना जो फोन है ना उसे स्क्रीन पर लेकर आओ। क्या पे लेके? स्क्रीन पर, स्क्रीन के आगे, अपने चेहरे के आगे। हाँ ये बोलो हमारे झूठड़े के आगे। हाँ हाँ स्क्रीन के आगे। अंग्रेजी नहीं जानते? आवाज तो चली गई तुम्हारी, आवाज तो आई ना रही। अरे आवाज हैंड फ्री करो, हैंड फ्री। अच्छा अच्छा बटन दबाओ, तेज मारो। हो गया ना? अभी रुको। हेलो। हाँ आ रही है। आपको कुछ भेज रही हूँ। हाँ। और बता रही हूँ आपको, वो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करते जाओ आप। बताओ। ओके ठीक है, वो 5 दबाओ। क्या दबाओ? 5। 5 दबा दिया? दबा दिया। 1 ए 1 1 एक एक एक। हाँ एक दबा दिया। 2 ए 2 2 दो दो जी। इंग्लिश क्यों बोल रही हो? 6 ठीक है बस इतना ही करना है बस। देखिए आपके पास एक मैसेज आएगा। अभी रुको। हाँ आ गया। आ गया ना? आ गया। उसमें ओटीपी लिखा होगा। कौन सी पी? ओटीपी नंबर होगा उसमें, 6 नंबर होंगे, 6 नंबर। हम ऐसे नहीं जानते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक नंबर आए हैं, 6 नंबर आए हैं। हाँ 6 नंबर है ना। हाँ। वो आप मुझे बता दीजिए। 6 नंबर बता दें जी। लिखो बताइए। 5 हाँ, 6 हाँ, 2 हो गए, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यही है। थैंक यू सर, आप आपका जो एड्रेस है मेरे पास ऐड हो चुका है। हाँ। और आप ट्रैक्टर के विजेता हो चुके हैं। आपके पास 2 घंटे बाद ट्रैक्टर आपके पास पहुंच जाएगा। 2 घंटे बाद आपके पास आपका ट्रैक्टर पहुंच जाएगा। अच्छा। अगर वाहन लेना चाहें तो एजेंसी आ सकते हैं, जल्दी लेना चाहें तो। अच्छा हाँ हाँ, तो आपका ट्रैक्टर वहाँ खड़ा हुआ है और ले जाइए। ठीक है ठीक है, हम वहीं पहुँच रहे हैं। खैर धन्यवाद तुम्हारे लिए बहुत बहुत। ओके सर थैंक यू। लेकिन ट्रैक्टर लेके आएंगे हम, गाँव वालों की चलेगी, हमसे लड़का बटवाएंगे। दिमाग मारना पड़ता है यार। अरे मास्टर। हाँ ललन। मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ। बताओ मास्टर। देखिए आप पैसा ना निकल रहे मिसाज। पैसे नहीं निकल रहे? हाँ। पिन नंबर पता है? पिन नंबर? हाँ हाँ पता है ना। हाँ पता। डालो पिन। 4 बार 4 चार बार चार। इसमें तो कुछ है ही नहीं। ए ना है, देखो चश्मा लगा के देखो देखो। अरे 0 बैलेंस है ललन, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा। 0-0 बने दिख रहे हैं, 4-6 जगह वो 0-4-0। भैया जहाँ तो निमंग पैसा है। कितने पैसे थे? 50,000 भैया, तो वो ही भैंस बेच के डारे का याद है। हाँ और घरवारी के कुंडल उबेक के जंग में डाते हैं। मैं तो इसमें तो 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा। अरे किसी को दे दिए तो नहीं है? ना भैया। तो किसी से बात बात हुई तुम्हारी? हाँ वो तो बैंक वाले थे भाई, वो चोरी करने। बैंक वालों से? हाँ। मतलब कैसी बात हुई थी? वो यूँ कह रहे भैया बाबू तुम्हारी 5 लाख की लॉटरी लग गई है। लॉटरी? हाँ। बैंक कभी लॉटरी नहीं निकालती ललन। बाबू जी मोते तो यूँ ही कई बार। तो फिर तुमने क्या कर लिया? बात छोरी ने मोते तो सबरे तो बटन दबा ले। अच्छा
अब मुझे पूछी ओटीपी कौन सा टीपी होता है वो ओटीपी। हाँ वो ओटीपी मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ललन बात क्या है, देखो आजकल ये सब चल रहा है जिसको कहते हैं साइबर क्राइम। उस लड़की ने तुम्हारे बैंक के खाते से जितने भी तुम्हारे बैंक के खाते में पैसे थे वो अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। अब उसमें से तुम्हें एक रुपया भी नहीं मिलेगा, तुम गए लुट। यो गहरी घर लेके आ जाओ। कुछ नहीं लेके आएगा कोई, तुम्हें भूत की कहानी पढ़ा दी गई और तुम गए लुट क्योंकि तुमने बता दी ओटीपी। और ओटीपी जब बता देता है आदमी कोई तो सारे पैसे उसके हड़प कर लिए जाते हैं। उन्होंने हड़प कर लिए तुम्हारे पैसे। जाओ मैं पैसा निकलवा दूं। सड़क जाके देखो, मैं कहां से निकलवा दूंगा पैसे। मैंने तो तुमसे कहा था कि समझ के चलो, देखभाल के चलो। ये फोन जितना अच्छा होता है उतना ही बुराई भी होती है उसमें। जाओ जागी कवर टाड़ के आ रहा हूं। जाओ जाओ रोना अब आराम से। बीवी के कुंडल देखकर गर्मी लगती है। आज तो मजे आ गए भाई आज तो। अरे मास्टर ये बताओ यहाँ ट्रैक्टर की एजेंसी कहाँ पर है? ट्रैक्टर की एजेंसी? हाँ यहाँ से बाहर निकलोगे तमाम एजेंसी है, दो दो तीन तीन एजेंसी है। अब तो लड्डू लेके आने पड़ेगा, पूरे गांव में लड्डू बंटवाऊंगा। लेने जा रही हो क्या? अरे मास्टर हुआ ये मैं तुम्हें बताऊं। हाँ खैर तुम्हें बता ही देता हूँ। बता दो। ऐसा है मेरा इनाम आया था इस पे जो है। अच्छा कोई टेलीफोन आया, मैंने उसमें बात की, उसने मुझसे कुछ ऐसे ऐसे नंबर मेरे पे दबाए, ये दावो वो दावो, ये करो वो करो, दबा दिए सब। मैंने सब दबा दिए। दबाने के बाद में उसने मुझे शुभकामनाएं दी, मुझसे कहा बधाई हो आपका ट्रैक्टर न्यू वाली एजेंसी पे जो तुम्हारे गांव में खुली है वहां खड़ा हुआ है। अच्छा। आप वहां से आज अपना ट्रैक्टर प्राप्त कर ले। ट्रैक्टर प्राप्त कर, फोन दिखाइएंगे जरा फोन, कोई दिक्कत ना हो तो। मास्टर तुम एक मिनट के लिए ये लो। वैसे कुछ करना दे रहा है इसमें? नहीं करनी, वो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। वैसे कितने रुपए थे तुम्हारे खाते में? मेरे थे 30-35 हजार रुपए। 30-35 हजार रुपए ये आया तुम्हारा खाता, खोल दिया, इसका पिन डालोगे जरा? ये दो मास्टर, ये लो मास्टर, ये दो क्या? ठीक है हाँ ये कर दिया मैंने। ओके अब इसमें कितने रुपए हैं? मास्टर मुझे चक्कर आ रहा है, जीरो 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 6 बार। मास्टर तुमने कुछ कर दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये बताओ तुमने नंबर में क्या ओटीपी दे दी थी उस लड़की को? मास्टर उसका फोन आया, लड़की का बड़े प्यार से बात कर रही थी। मैंने उतने जो जो नंबर दबाए वो मैंने दबाए, उसके बाद ओटीपी आया, मैंने उसको ओटीपी दे दिया। मास्टर मैंने क्या, तुमने कहा कि कराई है? अरे मैंने नहीं किया, वो उसने तुम्हें खुद अपने आप लूट लिया। इसको कहते हैं साइबर क्राइम जो तुम्हारे साथ हो गया। साइबर क्राइम का मतलब होता है आजकल ये लोगों ने बिजनेस बना लिया है लोगों को, बेवकूफ लोगों के फोन नंबर पर उनके फोन डायल करना और उसके बाद उनसे ओटीपी ले लेना, उन्हें लॉटरी का झांसा देना और उसके बाद उनके साथ लूट मार कर देना। 35 हजार तुम्हारे गए गड्ढे में। अब ट्रैक्टर नहीं, तुम घर पे जाके क्या कहते हैं किसी के खेत काटो 400 रुपए रोज पे। जाओ मास्टर। अरे मास्टर क्या, जा निकले यहाँ से, मैं मरने जा रहा हूँ। हाँ पता नहीं बेवकूफ आदमी, जब तो हमसे ये कह रहे थे हमारे माथे पर सी लिखा है कि डी लिखा है, लो अब लिखवा लो सी। लुट गई लंका। यार इन गांव के बेवकूफ से तो मैं तंग आ गया हूँ।